Dr. Gunashree, Senior Dentist from Partha Dental Clinic, Chandanagar Branch, Hyderabad. Today I am going to tell about kids and children thumb sucking habit and use of pacifiers, which is nowadays more important to know for every parents. Thumb sucking is a natural reflex, sucking of thumbs, pacifiers and fingers. ये एटसेट्रा जो आइटम्स होती हैं ये बच्चों को बहुत रिलैक्स महसूस करवाता है, उनको सिक्योर भी फील कराता है, जो कि उनको उस दुनिया से निकल के इस दुनिया से कनेक्ट करने का एक बहुत ही साधारण तरीका है। यंग चिल्ड्रंस में थंब सकिंग तब करते हैं जब वो अपने आप को बहुत रिलैक्स या सोने की कंडीशन में जाते हैं। क्या थंब सकिंग करने से हमारे बच्चों के दांतों पर चेंजेस आते हैं? यस ऑफकोर्स, थंब सकिंग करने से बच्चों के दांतों में चेंजेस आते हैं। उनका ऐसा करने से जो बडिंग स्टार्ट होता है और जो टूथ का अलाइनमेंट होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होते हैं। थंब सकिंग करने से उनका जो फ्लोर ऑफ द माउथ है उसमें चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से जब उनके परमानेंट टीथ आते हैं तो वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड आते हैं। पेसीफायर्स दांतों और थंब सकिंग अनिवार्य रूप करने से काफ़ी ज़्यादा उनकी मदद करता है। पेसीफायर्स थंब सकिंग का एक सब्स्टिट्यूट है जिसे इस्तेमाल करने से बच्चे थंब सकिंग जैसी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। थंब सकिंग एक तीव्रता का कारक है जो निर्धारित करता है कि डेंटल इश्यूज होंगे या नहीं होंगे। अगर बच्चे के माउथ में अगर आपका बेबी फुली डेडिकेशन से अगर माउथ ओनली सिर्फ सकिंग कर रहा है तो उसमें थंब सकिंग की जो प्रॉब्लम है उसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट एग्रेसिव बच्चे होते हैं जो थंब सकिंग बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम छुटकारा दिलाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम महसूस होगा। तो प्लीज़ जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने रेगुलर डेंटिस्ट से जाके मिलें। बच्चों में कब थंब सकिंग की हैबिट स्टार्ट होती है? तो अप्रॉक्सिमेटली हम कह तो नहीं सकते, बट हाँ कहा जा सकता है कि आमतौर पर 2 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें थंब सकिंग की शुरुआत होती है, क्योंकि उनमें परमानेंट टीथ आने स्टार्ट होते हैं, तभी बच्चे जाके थंब सकिंग करना शुरू करते हैं। तो प्लीज़ अपने रेगुलर डेंटिस्ट के पास जाएं, अगर आप अपने बच्चों को लेके कंसर्न हैं तो उनसे जाके मिलें, ताकि वो आपके बच्चों को बता सकें कि कैसे वो अपने दांतों को क्लीन और अपने दांतों के साथ कैसे वो सुरक्षित रह सकते हैं। बच्चों में द नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्टली पेरेंट्स का ये होता है कि क्या बच्चे दांतों थंब सकिंग की समस्या से दूर हो सकते हैं? यस ऑफकोर्स, बच्चे थंब सकिंग की समस्या से बिल्कुल दूर हो सकते हैं। फर्स्टली बच्चे थंब सकिंग जब करते हैं जब वो अपने आप को अनसिक्योर्ड या रिलैक्स महसूस करते हैं, तो फर्स्टली पेरेंट्स से मैं ये बोलना चाहूँगी कि फर्स्टली अपने बच्चों को रिलैक्स महसूस कराएं, उनको सिक्योर्ड फील कराएं कि आप उनके साथ ही उनका स्ट्रेस लेवल कम करें ताकि वो इस प्रॉब्लम से दूर हो सके। द सेकेंड थिंग इज़ आप अपने रेगुलर डेंटिस्ट या उनके पेडियाट्रिशियन से जाके मिलें, जो उनको कुछ मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करेंगे ताकि वो उसकी इस हैबिट से उनको छुटकारा दिला सके। इतना कुछ कहने के बावजूद भी अगर आपके बच्चे थंब सकिंग से नहीं छुटकारा पाते हैं तो उनके थंब पे बैंडेजिंग करें ताकि वो उसको सक ना कर सकें। ये सब करने से शायद आपका बच्चा थंब सकिंग जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाएगा, और अपने डॉक्टर और अपने आप को भी उससे कनेक्ट करें और हर साल में कम से कम एक बार अपने रेगुलर डेंटिस्ट से जाके उसका चेकअप कराएं। थैंक यू सो मच, बी हेल्प।